हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सेम क्लोथ्स, दूसरा दिन। बाहर गिर रही है बर्फ़ बहुत ज़्यादा वाली, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, चलते हैं सीधे बाहर। पहले बर्फ़ देख के आते हैं। सुबह से मैं बाहर नहीं निकला एंड इट इज़ 1 PM राइट नाउ। मैं सुबह से बाहर नहीं निकला। कुछ ऐसा माहौल है, मैंने सोचा था थोड़ी थोड़ी बर्फ़ होगी, पर बिल्कुल नहीं है यार, पर हो रही है। लाइक यू गाइस कैन सी, बर्फ़ तो गिर रही है, इवन बहुत तेज़ी से गिरी, पर यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसकी वजह से बर्फ़ रुक नहीं पा रही। मतलब ऐसे नेकेड आइज से देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस साइड में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो चल के कुछ बनाते हैं दिन के लिए, खाने के लिए, और उसके बाद देखेंगे वापस आके बाहर की कितनी बर्फ़ पड़ी है, कितनी नहीं पड़ी। 2 hours later निकला है मैं और शेरजमान बर्फ़ के नज़ारे लेने के लिए जाएंगे। वहाँ से वाईफाई लेंगे क्योंकि दूसरा वाला इंटरनेट 4G है नाम का, चलता बिल्कुल नहीं है। 50 से 60 से 300 KB से ऊपर स्पीड जाती नहीं उसकी। फर्स्ट हैवी स्नोफॉल है ना, मज़ेदार 2022 निकला हमारा। इतनी बर्फ है, गाड़ियाँ इतनी स्लो चल रही हैं। भाई गाड़ियों से दूर है ना, अभी किसी टाइम भी ये फिसल सकती हैं। लिटरल मैं भी क्या है, मेरे को ये रखना चाहिए। ओहो क्या नज़ारे हैं यार। ये देखिए, खुदा ना खास्ता इसकी ब्रेक ना लगे तो मैं हमेशा, मेरे दोस्त सारे बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। लाइक हर चीज़ का नेगेटिव पॉइंट निकालता हूँ मैं भाई, पॉजिटिव वे में जाना ही नहीं हमने। ओ एम जी, ये देखिए इतनी बर्फ़ पड़ गई है, ये गाड़ी तब से यहीं पे खड़ी हुई है आई गेस। मैं अपने रूम में पहुंच गया हूं अभी और छत पे आया हूं देखने के लिए व्यू, क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे है, यहां से सारा का सारा व्यू दिखता है। ओह माय गॉड, मेरे फेस पे भी रिफ्लेक्शन लग रही है, इतनी ज़्यादा वाइट। वहीं से आप लोग इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होने वाला है। लेट मी शो यू गाइस। क्या ही नज़ारा है। अभी मैंने तो हुडी पहनी हुई है और ये तो गीली होनी ही होनी है आज, पर बर्फ़ का मज़ा अभी का है, अभी है। पता नहीं कब बारिश हो जाए साथ साथ में, जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होगा तो बारिश होगी, तो ऑब्वियसली बर्फ़ सारी ख़त्म हो जाती है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। शेरजमान चला गया घर, बीमार था वो, कुछ पेट में दर्द। अभी अंदर जाने लगा मैं, ऊपर वाली साइड देखा तो पूरी की पूरी जो फॉग थी वो साइड हो गई है, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं फिर अंदर चलते हैं, चल के काम करते हैं अपना, शाम को बाहर निकलेंगे। अब ठंड है। बाहर का मौसम एकदम से शांत हुआ पड़ा है, अभी कुछ नहीं हो रहा, ना ही ज़्यादा बर्फ़ हो रही है वो, ना ही बारिश। नहा धो के मैं बाहर आया हूँ, अगर नेकेड आई से कोई देख सकता तो गाइस देखता यहाँ पे क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। वैसे पीछे उस साइड ऊपर इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी हुई, ये जो पार्किंग वाली साइड है यहाँ पे भी कम है, इधर भी कम है,
पर ये एग्जैक्ट जो मेरे पीछे है ये दिखाई नहीं दे रही जगह, पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ी हुई पिघल गई है बिल्कुल। बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी ऊपर से, बच्चे बूढ़े सारे बाहर निकले हुए हैं। मस्जिद के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी है। आई होप गाइस यहाँ से ये सही दिख रही हो, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पड़ती है। अभी मुझे लगता है कि टाइम आ गया है व्लॉग ख़त्म करने का, शाम पड़ गई है, हम भी अंदर चलते हैं और थोड़े दो तीन काम हैं वो करते हैं। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंट्रो आउट्रो सारा कुछ कॉपी कर लिया मेरा। लव यू ब्रदर्स।